Hello everyone, in this video we'll talk about last 15 days planning part for MH Law CET 5 years 2022 examination. So 15 days ka marathon hai, 15 days fight marni apne ko. Ye video mein main to the point baat karne wala hu, kya padhna hai kya nahi padhna hai. Agar aapko JLC Mumbai, IELTS Pune ya 120 plus ka score leke aana hai to ye video aapke liye hai. Number 2, सब नहीं पढ़ना अपने को, बट हाँ बहुत कुछ पढ़ना है बट सब नहीं पढ़ना. तो जो जो मैं बताने वाला हूँ वो अपने को पढ़ना है. टाइम टेबल आई विल बी गिविंग यू 15 डेज कंप्लीट टाइम टेबल. डेली बेसिस पे आपको 8 to 10 आवर्स मिनिमम निकालना होगा प्रिपेयर करने के लिए. उसके ऊपर भी अगर आप टाइम दे सकते हो तो वेल एंड गुड, बट 8 से 10 घंटे पढ़ने का टाइम आ गया है. अगर लास्ट मोमेंट पे आप गेम चेंज करना चाहते हो, इफ़ यू वॉन्ट टू विन द बैटल इन द लास्ट मोमेंट, तो फिर ये आपको जो जो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में वो फॉलो करना है. तो एग्ज़ाम अपना 2 अगस्त को है, ठीक है. तो अगस्त तो भूल जाओ, जुलाई मंथ का टाइम अपने पास बचा हुआ है. आज है आपका 13th of July, मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ. थोड़ा सा पहले ही शूट कर दे रहा हूँ मैं ये वीडियो, सो दैट जितने लोग के पास ज़्यादा टाइम है उस हिसाब से 2-4 दिन एडिशनल है आपके पास, है ना, तो आप उस हिसाब से वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है. सो ये वीडियो में एक तो मैं आपका सेल्फ स्टडी के लिए मैं आई कीप ऑन सेइंग कि प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ का एक्सेस वो आपके पास होना चाहिए, तो मेक श्योर वो हो आपके पास. प्लस जो CET हाइस्ट बैच 2 अभी लॉन्च हुई है, ठीक है, वो ये दो बैच आपको ये दो चीज़ आपको लगेगी प्रिपरेशन को लेके. तो मैं टाइम टेबल तो आगे बता दूंगा. प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ जो भी आपके पास रिसोर्सेज है, मटेरियल है, या जो भी आपने कोचिंग ज्वाइन किया हुआ है वहाँ से ये प्रिपरेशन आपको करनी, जो मैं टाइम टेबल बताऊँगा. अदरवाइज मेनूअर का सेल्फ स्टडी वाला प्रोग्राम यू कैन टेक, एंड CET हाइस्ट बैच 2 जो 15th कल नहीं परसों से चालू हो रही है, जिसके अंदर मेरा ओवरव्यू और स्टडी सेशन 15 को होने वाला है, तो आप वो बैच ज्वाइन कर लो, ठीक है. तो सबसे पहले तो एक गोल सेट करो, है ना, और गोल अचीव करने के लिए प्लानिंग लगेगी अपने को, उसके बिना तो नहीं होगा. तो प्लानिंग तो मैं दे रहा हूँ आपको, बट आप गोल तो सेट करो कि यार मुझे IELTS JLC 120 या टॉप मारना है CET में. तो वो सेट करके आपको मेहनत करनी है, मतलब ऐसा नहीं सोना है ख्याली पुलाव बनाने यार अब तो मुझे JLC IELTS मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी. सो अ गोल विदाउट अ प्लान इट इज़ जस्ट अ विश. तो विश नहीं करना है अपने को, अचीव करना है, ठीक है. सो काइंडली गेट सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन पार्ट. ये चीज़ें जो है वो आज से आपको चालू करनी है. न्यूज़पेपर रीडिंग अगर आप कर रहे हो, मैंने हर वीडियो में बोला है न्यूज़पेपर रीडिंग, आज भी बोल रहा हूँ चलेगा. 15 दिन ही आप 20 दिन ही न्यूज़पेपर पढ़ोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रीडिंग करो, page 1 एंड एडिटोरियल पेज रीड करो, बिकॉज वो रीडिंग वाला पेस नहीं बनेगा तो CET क्रैक करना डिफिकल्ट है. सो page 1 एडिटोरियल पेज द हिंदू या तो इंडियन एक्सप्रेस का रीड करो. 2 RC रीडिंग कॉम्पिटिशन डेली बेसिस पे सॉल्व करना है, प्लस 5 PJ पैराग्राफ जंबल. आपके मेनूअर के बुक में सारे ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं इंडेक्स में. तो अगर आपके पास हार्ड कॉपी बुक नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी बुक, ई बुक्स एक्सेस, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ई बुक्स का, काइंडली टेक द ई बुक एक्सेस. उसके अंदर से पैराग्राफ जंबल के 5 क्वेश्चन डेली बेसिस पे सॉल्व करना चालू करो. ग्रामर रूल के सारे वीडियोस और हैंडआउट्स ये खत्म होने चाहिए, बिकॉज यहाँ से 5+ क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है आपके, ठीक है. और स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स को लेके मैंने आगे टाइम टेबल में मैंने सारे स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स और उसके बूस्टर्स एवरीथिंग आई विल बी डिस्कसिंग. तो ये आपको गो थ्रू करना, और रिविज़न डेली एंड वीकली करना है, ठीक है. सो आज सबसे पहले एक काम करो कि एक मॉक लिखो एंड सी वॉट इज़ योर स्कोर कमिंग अप. एक मॉक लिख के आपको समझ में आएगा कि मुझे कितना आता है और कितना मुझे मेहनत करनी है, है ना. तो ऑल दो स्कोर कम आएगा, अगर प्रिपरेशन कम हुई है तो फिर जस्ट स्टार्ट की है तो स्कोर कम आएगा, डरना नहीं है उससे, बट मॉक लिखना है आपने को, ठीक है. तो आज ही एक मॉक लिखो एंड सी वेर यू स्टैंड, वॉट आर द सेक्शन वेर यू थिंक यू कैन परफॉर्म वेल, और कौन से सेक्शन में अपने को लग रहा है कि यार अपना स्कोर कम आने वाला है, नहीं बन रहा है. तो अपने को एक स्ट्रेंथ एंड वीकनेस समझ में आएगी. और इट सो दिस इज वॉट द प्रोग्राम आई वॉज टॉकिंग अबाउट, MH Law CET 5 years का जो फुल कोर्स प्रोग्राम है. इसके अंदर वीडियोज़ है, हैंडआउट्स है और मॉक है. तो आपको सारे वीडियोज़ जो मैं आगे टाइम टेबल में टॉपिक बताने वाला वो वीडियोज़ देख के ख़त्म करना है. कोशिश करो अगर 2 बार देख लिया आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो उसको 2 बार देख लो, ठीक है. वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है सेम क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो. टेक अ रफ पेपर और उस पर आप खुद से सॉल्व करो. क्या है कि वीडियो देख के हम समझ तो जाते हैं बट प्रैक्टिस नहीं करते, तो वो नहीं करना अपने को, ठीक है. प्रैक्टिस के लिए लॉजिक जो पार्ट है, लॉजिक के बुक में आपके पास 50 क्वेश्चन दिया हुआ है पर टॉपिक. हर टॉपिक को लेकर देर आर 50 क्वेश्चन, दिस इज वॉट द. और इंडेक्स में आपको बहुत सारे टॉपिक दिए तो टेंशन नहीं लेना है उसको लेकर के. जो जो टॉपिक मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ खाली उतना ही टॉपिक करना है. बट हाँ, 30 क्वेश्चन फ्रॉम बुक यू हैव टू फिनिश. ओके, मैथ्स को लेकर के नहीं करोगे चलेगा, इंग्लिश और लॉजिक कर लो. मैथ्स को लेकर के जो वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है सेम टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस खुद से कर लो, दैट इज़ सफिशिएंट. मैथ्स छोड़ना नहीं है, ये मैं एक बार वापस बोल दे रहा हूँ. जितने लोग मैथ्स छोड़ने का माइंडसेट बना रहे हो 10 मार्क्स के लिए आता छोड़ देता हूँ, वो गलती नहीं करनी है, ठीक है.
अगर आपका प्रिपरेशन हो गया है तो कोई सेक्शन वीक है, मैथ्स, लॉजिक, इंग्लिश, तो आप सेक्शनल प्रोग्राम चेकआउट कर सकते हो। बिना मॉक लिखे एग्ज़ाम गए तो फिर मतलब आप खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, तो वो नहीं करना अपने को, ठीक है। सो फुल लेंथ मॉक, टॉपिक टेस्ट मॉक, ये सारे आपको लिखने हैं। ई बुक सभी के लिए प्रैक्टिस के लिए ले लो, क्योंकि बुक्स घर पे आपके विद इन वर्किंग 7 days आपके घर पे मिलेगी। अगर आप सेंटर नियर बाय सेंटर मुंबई हो, मुंबई बेस हो, तो बोरीवली दादर वसई विजिट करके यू कैन कलेक्ट द बुक। बट बिफोर यू विजिट द सेंटर, काइंडली कॉन्टैक्ट एट द सेंटर कि बुक अवेलेबल है कि नहीं, अदरवाइज आप पहुँचोगे बुक नहीं होगी तो आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। सो इफ यू आर विजिटिंग वसई सेंटर, तो वसई में ऑल टाइम बुक अवेलेबल है, तो वहाँ से आप ले सकते हो। तो ये सारे प्रोग्राम menuvideo.com/lawentrance पे अवेलेबल है, और कुछ डाउट क्वेरी है तो इस नंबर पे कॉल कर लो। बट ये प्रोग्राम आपके लिए सफिशिएंट है, इसके साथ साथ सिर्फ आपको ई बुक्स प्लस टॉपिक टेस्ट, इतना आपको रिसोर्सेज लगेगा प्रैक्टिस के लिए, प्लस सीटी हाइस्ट। सीटी हाइस्ट को लेकर ऑलरेडी बहुत सारी सीट्स बुक हो गई है, बैच टू को लेकर, बैच वन तो ऑलरेडी फुल हो गई है, अभी बैच टू चालू हुई है उसमें भी सीट्स कम है। तो अगर आज मेरा ये वीडियो देख रहे हो, फटाफट जाके आपका सीटी हाइस्ट पहले उसमें सीट बुक करो, ठीक है। उसके अंदर शॉर्टकट डिस्कस करने वाले हैं अपन और भी, ठीक है। अभी ये आपका टाइम टेबल है, तो डे वाइज मैंने टाइम टेबल बनाया हुआ है, और हर दिन अपने को 4 sections कवर करने, मतलब हर टॉपिक करना है। अभी जनरल अवेयरनेस में जैन मंथ का करंट अफेयर्स, अभी जैन मंथ में देर आर द 4 week वीडियोज़, week 1, week 2, week 3, week 4। week 1, week 2 आप एक दिन देखो, और करंट अफेयर्स को लेकर 2000 question का बूस्टर है उसको देखो आप, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिशन इंग्लिश से, परसेंटेज फ्रॉम द मैथ्स, नंबर एंड लेटर सीरीज फ्रॉम लॉजिक। सेकेंड डे फिर से जैन मंथ का करंट अफेयर्स, तो week 3 and week 4 ख़त्म करना है, करंट अफेयर्स, बूस्टर्स, रीडिंग कॉम्प्रेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, अल्फाबेट टेस्ट। day 3 फैब मंथ का करंट अफेयर्स, देन 2000 question, ग्रामर रूल, रेशो प्रपोर्शन, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। वैसे ही day 4 day 5, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक अपने को कवर करने, ये सारे वो टॉपिक है जो फॉर श्योर मतलब 95% प्लस यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। अभी 2-4 topic मेरा छूट गया सर, मैंने नहीं किया, क्या करूँ भाई, 2-4 topic छूटता है तो छोड़ दे, मतलब उसके चक्कर में बाकी के जो कोर टॉपिक उसको क्यों मिस करना, वो नहीं करना अपने को। तो जो जो टॉपिक ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ से फॉर श्योर क्वेश्चन आने ही वाले हैं विदाउट फेल, ठीक है। तो ये आप करके ही जाओ, ओके। सो एक दिन, सो 2 दिन में आप 1 month का करंट अफेयर्स कर रहे हो, 6 महीने का करंट अफेयर्स अपन टारगेट कर रहे हैं, जैन से लेके जून, जुलाई स्किप करो। जुलाई में अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, जैसे सिंजो अबे जापान का अभी एक इंसिडेंट हुआ, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी डेथ हो गई, तो उनके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए जापान को लेकर के। ऑल्दो पेपर आपका बन चुका होगा, ठीक है, अभी पेपर में कुछ मॉडिफिकेशन तो नहीं होंगे, बट हाँ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगर है तो आप उसके बारे में थोड़ा सा अपडेट रखना, दैट्स ऑल, ओके। तो ये आपका डेली का 8 से 10 घंटे का, तो आप इंग्लिश को अराउंड 1 to 1.5 hours दे रहे हो तो बहुत हो गया। इसमें 1 घंटा न्यूज़पेपर आप वो कर ही रहे हो, आपका ग्रामर कर रहे हो, मैं इंग्लिश टॉपिक की बात कर रहा हूँ, 1 से 1.5 घंटे में एक टॉपिक आराम से हो जाएगा वीडियो देख करके, प्लस आपको बुक से जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं वो आप समझ लो कितना टाइम जाएगा उसको लेकर के। करंट अफेयर्स में आई डोंट थिंक आपका 1.5 से ज़्यादा जाने वाला है, मैथ्स को लेकर के 1.5 और लॉजिक को लेकर 2 घंटा, ठीक है। सो दिस इज़ 1.5 एंड दिस इज़ 1, सो 7 to 8 hours आ रहा है, बट मैं 10 hours तो मिनिमम रिकमेंड करूँगा कि आप पढ़ो, और एक मॉक ऑल्टरनेट डे पे लिखो, या तो फिर वीक में 3 mock या 2 mock ऐसा करके, फुल लेंथ मॉक की बात कर रहा हूँ, बाकी टॉपिक टेस्ट तो अपने को लिखना ही लिखना है, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट टाइम यू हैव टू डिवोट फॉर योर प्रिपरेशन पार्ट। ये आपका day 6, 7, 8, 9, 10 हो गया, ओके। सो मार्च, अप्रैल, मई मंथ का करंट अफेयर्स, इंग्लिश, ठीक है यार, फटाफट सारे वीडियो देख के हो जाएंगे। 100 hours के अंदर आपका जो फुल कोर्स प्रोग्राम है MH Law City 5 years का, आगे मैं गाइड भी कर दूंगा प्रोग्राम को लेके, 100 hours के अंदर आपका वो सारा वीडियो देख के हो जाएगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथ्स में आपका सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, यहाँ से क्वेश्चन फॉर श्योर आते हैं। क्वाड्रेटिक एंड उसका रिविजन एंड बाकी के रिविजन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटी इक्वेशन में इनइक्वालिटी आता है, 2 equation दे देंगे, एक्स एंड वाई के फॉर्म में कंपेयर करना होगा, तो वो क्वेश्चन एक बार देख लेना, लॉजिक, ओके। क्रिटिकल रीजनिंग में सिर्फ आपको 3 topic करने हैं, मैं बता रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, कंक्लूजन, ठीक है। सिर्फ ये 3 topic करके जाओ। देखो अभी ये जो टॉपिक बता रहा हूँ मैं, ये वो है जो फॉर श्योर आएंगे, या तो फिर यहाँ से ही बनते हैं क्वेश्चन। अब बाकी करने के लिए और भी टॉपिक हम करें, दूसरे लोग करेंगे, यार ये भी कर वो भी कर, आपको नहीं करना, आप ये फॉलो करो खाली, अगर अच्छा स्कोर लेके आना है तो लिमिटेड पढ़ो और स्कोर अच्छा लेके आना है अपने को, ठीक है। लीगल नेक्स्ट वीक से, मतलब 2nd week से अपन चालू करेंगे, 6 days 6 onwards, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स,
यहाँ से मेजर चंक्स एग्जाम में आपको मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन हो गया आपका, आईपीसी हो गया, मिसलेनियस वाले टॉपिक, अरेंजमेंट अच्छे से करना। यहाँ से 18 से 20 क्वेश्चन एग्जाम में आपके आने वाले हैं, तो मेक श्योर अच्छे से करके जाओ ये तीन टॉपिक। और मैथ्स से कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन एलसीएमएसएफ, डे 12 तक आपका काफ़ी कुछ पढ़ के हो जाएगा। और मॉक तो कंटिन्यू आपको लिखना ही है जून तक का, करंट अफेयर्स, ठीक है। और आपके बूस्टर्स दिए हुए हैं स्टैटिक को लेकर के 1000 प्लस क्वेश्चन, करंट अफेयर्स को लेकर 2000 क्वेश्चन, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। ये आपका स्टैटिक करंट अफेयर्स, और स्टैटिक के वीडियोस भी देखने आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले, और ये आपका करंट अफेयर्स फॉर द 2000 क्वेश्चंस। सो दिस इज व्हाट द 15 डेज प्लानिंग, जितना हो सके प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस करो, टॉपिक टेस्ट लिखो, रिवाइज करो, ठीक है। ये आपको करते रहना है नेक्स्ट 15 डेज, ओके ओके। सो दीज आर द वीडियो लेक्चर्स विच यू हैव टू वॉच फ्रॉम योर पोर्टल। मेजरली लॉजिक पे फोकस रखना, फॉलोड बाय योर इंग्लिश एंड जीके, ठीक है। ये सारे टॉपिक है, लीगल के ये सारे वीडियोज़ हैं, एंड देन योर क्रिटिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट, अजम्पशन, कंक्लूजन एंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो ये प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए मेन्यूअर के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओ, यहाँ पे manuvideo.com वेबसाइट, इसमें बाय ऑनलाइन में जाके लॉ एंट्रेंस में आ जाओ। लॉ एंट्रेंस में फुल कोर्स में जाओगे तो ये 5 ईयर्स का प्रोग्राम है, जिसके बारे में फुल कोर्स आई वॉज टॉकिंग अबाउट, सेल्फ स्टडी प्रोग्राम, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस को लेके, वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट और हैंड आउट्स तीनों हैं। इसके साथ साथ सिर्फ ई बुक्स और टॉपिक टेस्ट लेकर के फुल फ्लेज में लग जाओ। अगर 12 घंटे पढ़ सकते हो, 12 से 14 घंटे तो और भी अच्छा है। मतलब 15 दिन ही मेहनत करनी है ना, उसके बाद तो आराम करना है। तो 15 दिन मेहनत करने में आई डोंट थिंक प्रॉब्लम है, अगर अच्छा स्कोर बनता है और अच्छा कॉलेज के लिए टारगेट कर रहे हैं तो, ठीक है। दिस इज़ व्हाट द ई बुक्स यू कैन टेक द एक्सेस, ठीक है। अगर हार्ड कॉपी ऑर्डर करोगे तो विद इन वर्किंग 7 डेज आपके घर पे आएगा, अगर आप आउटसाइड मुंबई महाराष्ट्र हो तो, ठीक है। तो और विद इन मुंबई महाराष्ट्र हो तो थोड़ा जल्दी मिल जाएगी आपको बुक। और मॉक टेस्ट, टॉपिक टेस्ट को लेकर के, दिस इज व्हाट द टॉपिक टेस्ट। बाकी फुल लेंथ मॉक नहीं लेना, वो उसके अंदर ही फुल कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगा। बट अगर आपको सिर्फ मॉक लेना है तो ये मॉक प्रोग्राम यू कैन चेक इट आउट। वैसे ही आपका सेक्शन अगर कोई वीक है तो यू कैन चेक आउट दी सेक्शनल प्रोग्राम, है ना, लॉजिक, इंग्लिश, लीगल एप्टीट्यूड, मैथ्स को लेकर के। तो इन सब का डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट इज़ अबाउट द सिटी हाइस्ट वर्कशॉप। तो ये प्रिपरेशन के साथ साथ आपको 15 जुलाई से सिटी हाइस्ट बैच 2 चालू हो रहा है, जिसके अंदर मेरा फर्स्ट स्ट्रैटेजी सेशन होगा। सो इन दिस बैच वी विल बी टॉकिंग अबाउट दी इम्पॉर्टेंट टॉपिक ओनली, जो मेजरली एग्जाम में आएंगे उसको लेकर, शॉर्टकट्स एंड ऑल, ठीक है। तो दिस विल बी काइंड ऑफ स्कोर बूस्टर फॉर यू पीपल। तो ये वाली बैच फटाफट ज्वाइन कर लो आज ही, और अगर लेट ज्वाइन कर रहे हो, अगर आप ये वीडियो मेरा थोड़ा लेट देख रहे हो, तो जो भी सेशन हुए उसका रिकॉर्डेड फॉर्म आपको मिल जाएंगे, देन ऑल्सो यू कैन ज्वाइन दिस सिटी हाइस्ट। सो दिस विल बी दी सेकेंड बैच, ओके। फर्स्ट बैच ऑलरेडी फुल हो गई, दिस इज द सेकेंड बैच। सो ज्वाइन करने के लिए नंबर पर कॉल कर लो, आर टीम विल हेल्प यू, या तो उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सिटी हाइस्ट, हाउ कैन यू ज्वाइन फ्रॉम द वेबसाइट इटसेल्फ। एंड एनी ऑफ योर फ्रेंड और रिलेटिव वॉन्ट टू स्टार्ट 2023 और 24 प्रिपरेशन, यू कैन शेयर दिस नंबर। क्लासरूम के लिए बोरीवली, वसई एंड दादर यू कैन विजिट, ठीक है। सो आई होप 15 डेज क्या करना है, कैसे करना है, वो मैंने प्लानिंग दे दिया है। फुल जोश रखना है, फुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ मोटिवेट होकर प्रिपेयर करना है। जितने भी नेगेटिव लोग नेगेटिव ऐसा बोल रहे हैं कि अभी नहीं होगा, छोड़ दे, नेक्स्ट ईयर करेंगे वगैरह, अभी हम गिव अप नहीं करेंगे, हम गिव अप एग्जाम के बाद करेंगे, एग्जाम के बाद देखेंगे क्या होगा, ठीक है। अभी के लिए वी कैन चेंज द गेम ओनली इफ वी प्रिपेयर हार्ड, ओके। सो प्रिपेयर वेल, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।